वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का 11वां भाग और इसमें हम गुप्त साम्राज्य को जो है पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। पहले जो है गुप्त साम्राज्य का जो है संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे, उसके बाद वन लाइनर और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से जो है सारे क्वेश्चन को जो है पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें। बात करें अगर गुप्त साम्राज्य के कार्यकाल की तो 319 से 540 ईस्वी पूर्व तक जो है गुप्त साम्राज्य का जो है गुप्त वंश का जो है कार्यकाल रहा। अब गुप्त साम्राज्य का उदय जो है तीसरी शताब्दी के अंत में जो है प्रयाग के निकट कौशाम्बी में जो है हुआ था। गुप्त वंश का जो है संस्थापक कौन थे तो श्री गुप्त थे और इनका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी था। नेक्स्ट है कि श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो श्री गुप्त का उत्तराधिकारी जो हुआ घटोत्कच हुआ। घटोत्कच का कार्यकाल कब था तो 280 से 320 ईस्वी। और घटोत्कच का जो उत्तराधिकारी कौन हुआ तो घटोत्कच का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था और यह जो है 320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से जो है विवाह किया और इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट बात करते हैं कि गुप्त संवत का शुरुआत किसने किया था, तो गुप्त संवत का जो है शुरुआत 319 से 20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और इसने जो है आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था और इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ से मैं क्या जो है क्लियर हो चुका है, पहला तो जो है गुप्त साम्राज्य का जो है अंत तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ, उदय जो है कब हुआ था तो तीसरी शताब्दी के अंत में कहाँ हुआ, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। और गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त और श्री गुप्त के जो है उत्तराधिकारी घटोत्कच और घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त प्रथम कौन था तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। और महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट बात करें कि गुप्त संवत के जो है आरंभ कब हुआ था तो 319 से 320 ईस्वी में और ये आरंभ 300 ये जो है किसने चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है आरंभ की थी। अब चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त जो इतिहास में इसे जो है क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था तो हरिसेन था और जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त जो है किसका उपासक था तो विष्णु का उपासक था और समुद्रगुप्त ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी तो अश्वमेध कर्ता की उपाधि जो है धारण की थी। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था और ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। यानी अगर बात करें कि गुप्त साम्राज्य में सिक्कों पर जो है वीणा वादन करते हुए किसे दिखाया गया है तो समुद्रगुप्त को जो है दिखाया गया है। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त ने जो है विक्रमंक की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने जो है दो उपाधि धारण, एक कौन था, एक अश्वमेध कर्ता और दूसरा यहाँ पे लिखा है विक्रमंक की उपाधि धारण की थी और इसे जो है कविराज भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाइयान भारत आया था और ये तकरीबन कब आया था, 405 से
11 ईस्वी के बीच में आया था। कौन? तो चीनी यात्री फाहियान। और नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकारी भी कहा जाता है, क्योंकि उसने जो है किसको? शकों को पराजित किया था। अब नेक्स्ट हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। समुद्रगुप्त का जो है दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। और समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। और समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? एक तो अश्वमेधकर्ता और दूसरा विक्रमंक। और जो है सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए किसे दिखाया गया है? तो ये समुद्रगुप्त को जो है दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है कौन सा उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। अब जो है उपाधि धारण करने के बाद इनका नामकरण क्या हुआ? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उनके दरबार में कितने 9 रत्न थे? जिनमें प्रमुख है कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरी, वराहमिहिर, ब्रह्मागुप्त एंड अमर सिंह। अब बात करें कि जो है इन 9 रत्नों में जो है कौन कौन से रचना की थी। तो बात करेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है शासनकाल में किस भाषा का सबसे प्रसिद्ध, संस्कृत भाषा का जो है सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो कालिदास थे। अब कालिदास की रचना कौन कौन है? तो कालिदास की रचना है मेघदूत, कुमार संभव एवं रघुवंशम। किनकी रचना है? कालिदास की। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य कौन था? तो धन्वंतरी जो था क्या था? आयुर्वेदाचार्य था। नेक्स्ट है कि आर्यभट्ट में जो है आर्यभट्टीयम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने, यहाँ पे ने होगा, आर्यभट्ट ने जो है आर्यभट्टीयम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। और सर्वप्रथम इसी ने ही बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, सर्वप्रथम किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। हम नेक्स्ट बात करते हैं, वराहमिहिर ने किसकी रचना की थी? बृहत संहिता की रचना की थी, जिसमें नक्षत्र विद्या, भौतिक भूगोल का जो है वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है कि शकों के विजय के उपलब्ध में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? तो चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कुमार गुप्त हुआ, जिसे गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त का जो है कार्यकाल 415 से 424 ईस्वी तक हुआ। अब बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी। और कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी हुआ स्कंद गुप्त। और स्कंद गुप्त ने जो है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का क्या किया था? गुरु पुनर्द्वार जो है किया था। और स्कंद गुप्त ने जो है पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। अब नेक्स्ट है कि स्कंद गुप्त के शासनकाल में ही क्या हुआ था? हूनों का आक्रमण हुआ था। और अंतिम गुप्त शासक की बात करें तो अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णु गुप्त था। और नेक्स्ट है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है कि कब मिलता है? तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी जो है किसी भोज राज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। तो गुप्त काल में जो है एरन अभिलेख से यह प्रमाण मिलता है। किसका प्रमाण मिलता है? तो है पहली बार जो है सती होने का प्रमाण मिलता है, जिसमें जो है भोज राज की मृत्यु पर उसकी पत्नी ने जो है
सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट है कि गुप्त सम्राट जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट जो है किसके धर्म के अनुयायी थे, तो वैष्णव धर्म के। नेक्स्ट है कि विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का क्या था, राजचिन्ह था। गरुड़ जो था गुप्तों का राजचिन्ह था। नेक्स्ट है कि अजंता की गुफा जो है गुप्त शासकों द्वारा निर्मित है। महाराष्ट्र के जो है औरंगाबाद में जो है अजंता गुफा है, और ये गुफा जो है किस शासकों द्वारा निर्मित है, तो गुप्त शासकों द्वारा निर्मित हुआ है। नेक्स्ट है कि अजंता गुफा जो है किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात करें कि गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो प्राकृत थी, और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्रा थी। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो रुपयक कहा जाता था। और मंदिर बनाने की कला का जन्म जो है कब हुआ था, तो गुप्त काल में ही हुआ था। अब नेक्स्ट जो है हम जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर से जो है क्वेश्चन को पूरा करेंगे। पहला है कि चौथी शताब्दी में जो है भारत में कौन से नए राजवंश का उदय हुआ था, तो गुप्त वंश का उदय हुआ था। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो श्री गुप्त ने की थी। और श्री गुप्त का कार्यकाल कब तक से कब तक रहा, 240 से 280 तक। और गुप्त साम्राज्य का उदय जो है भारत के किस भाग में हुआ था, तो प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। तो ये जो हम पहले ही थ्योरी में जो है कंप्लीट करा चुके हैं, और ये जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर से जो है इसको दोबारा हम कंप्लीट करा रहे हैं, ताकि आपको जो है गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चन कवर हो सके। नेक्स्ट है कि श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना कब की थी, तो 240 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि श्री गुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो श्री गुप्त ने जो है महाराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि श्री गुप्त की मृत्यु के बाद जो है गुप्त वंश का शासक कौन हुआ, तो उसका उत्तराधिकारी हुआ घटोत्कच, जिनका कार्यकाल 280 से 319 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट है कि घटोत्कच के बाद गुप्त वंश का शासक कौन हुआ, उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त वंश का जो है प्रथम प्रतापी राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ही जो था है प्रथम प्रतापी राजा था। और चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था, तो वैशाली के लिच्छवी वंश की जो है राजकुमारी देवी से हुआ था। और नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो अभी हमने बताया महाराज की उपाधि किसने, श्री गुप्त ने धारण की थी, पर यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का जो है शासन कब से कब तक रहा है, तो 320 से 325 ईस्वी तक जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है शासन किया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा, तो समुद्रगुप्त जो है 335 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा। और बात करेंगे समुद्रगुप्त की जो है विजय की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, तो समुद्रगुप्त के जो है विजय की जानकारी हमें इलाहाबाद के एक स्तंभ पर खुदा हुआ अभिलेख से मिलता है। और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसने की थी, तो हरिसेन की थी। और हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिसेन कौन था, तो समुद्रगुप्त का राज कवि एवं शांति एवं युद्ध का मंत्री भी था। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद
इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की क्या विशेषता है? तो अभिलेख का कुछ अंश जो है पद है, कुछ अंश किस में है? तो गद में है। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त ने किस कारणवश अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो अपनी विजयों की जो है उद्घोषणा हेतु जो है के उपलक्ष्य में जो है समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और इसी के कारण जो है समुद्रगुप्त ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? अश्वमेध कर्ता। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश के किस राजा को सिक्के पर बीना वादन करते हुए दिखाया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये जो है समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में श्रीलंका के राजा ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति किस शासक से मांगी थी? तो ये मांगी थी समुद्रगुप्त से, और वो जो है श्रीलंका के राजा कौन थे? मेघवर्मन थे, जिन्होंने जो है अनुमति मांगी थी बौद्ध मंदिर बनवाने की। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है कि श्रीलंका का वह राजा कौन था जिसने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो हमने पहले ही बता चुके हैं मेघवर्मन जो है श्रीलंका के राजा थे, जिनने जो है बोधगया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। अब नेक्स्ट है कि गुप्त वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो गुप्त वंश के शासक जो थे हिंदू धर्म के अनुयायी थे। कि गुप्त वंश के शासन काल में किस धर्म की उन्नति हुई? तो हिंदू धर्म की जो है उन्नति हुई थी। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अश्वमेधहर्ता की उपाधि जो है धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त ने कब से कब तक शासन किया? तो 335 से 375 ईस्वी तक जो है समुद्रगुप्त ने शासन किया था। और समुद्रगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, और यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। और बात करें अगर गुप्त साम्राज्य का प्रतापी राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही जो था गुप्त वंश का प्रतापी राजा था। और अगर पूछा जाए कि गुप्त वंश का प्रथम महान शासक या प्रतापी राजा प्रथम, तब जो है चंद्रगुप्त प्रथम था। और अगर सबसे महान या और सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शकारी क्यों कहा जाता है? तो इनको शकारी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है शकों को प्रास्त जो है किया था। नेक्स्ट है चीनी यात्री फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फैयान जो था 405 से 11 ईस्वी में के बीच में जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में प्रमुख कितने नौ रत्न थे? तो नौ रत्न थे, जिसमें प्रमुख कौन कौन थे? कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्राह्मीर, ब्रह्मागुप्त एवं अमरसिंह। नेक्स्ट है कालिदास कौन थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नौ रत्नों में एक थे, और वे संस्कृत भाषा के एक महान कवि थे। नेक्स्ट है कि कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है? तो मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये जो है कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि वराहमिहिर कौन था? तो वराहमिहिर जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नौ रत्नों में एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। वराहमिहिर का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो बृहत संहिता जो है वराहमिहिर का प्रसिद्ध ग्रंथ है, और इसमें नक्षत्र विद्या या भौतिक भूगोल जैसे विषयों का वर्णन है।
नेक्स्ट है आर्य भट्ट कौन था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में सबसे बड़े गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, और इन्होंने ही जो है दशमलव प्रणाली का विकास किया था। और नेक्स्ट है कि किसने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है? तो ये सर्वप्रथम बताया था आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत किसने लिखा? तो सूर्य सिद्धांत जो है किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है कब से कब तक शासन किया था? तो 380 से 412 ईस्वी तक जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है शासन किया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था, और इनका नाम काफ़ी फेमस हो जाता है क्योंकि इन्हें जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे, और इन्हें गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ स्कंद गुप्त। नेक्स्ट है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का अंत किस प्रकार हुआ था? तो हुन नेता तुर्मान के आक्रमण द्वारा जो है गुप्त वंश का अंत हो गया था। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर कौन था? उज्जैन। और उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, जो फिलहाल जो है झांसी के उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में बंगाल की खाड़ी में प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो ताम्रलिप्ति जो है एक बंदरगाह था जो बंगाल की खाड़ी में था। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में अरब सागर में प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो भड़ौच था। नेक्स्ट बात करें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अजंता की गुफाओं की कलात्मक चित्रकारी किस काल की देन है? तो गुप्त काल की ही देन है। नेक्स्ट है कि दिल्ली में मेहरौली के निकट एक लौह स्तंभ है जो किस शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासक से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में नागार्जुन किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो नागार्जुन जो किससे थे? रसायन शास्त्र से जुड़े थे। और गुप्त काल में उस शिक्षा की बात करें तो महत्वपूर्ण केंद्र रहा नालंदा, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे। अब नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो है रिवाइज कराएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको जो है काफ़ी क्लियर हो चुका होगा गुप्त सम्राट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। अब जो है आप बेहिचक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाएंगे। नेक्स्ट है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। नेक्स्ट है कि गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो है किसके सामंत थे? कुषाणों के। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि, यहाँ पे होगा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो ये किसने धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है मिलान करना है, प्रयाग और इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख जो है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट है बिलसड, बिलसड जो है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कुमारगुप्त से। नेक्स्ट है भीतरी, भीतरी जो है किससे संबंधित है स्कंदगुप्त से। और मंदसौर लेख जो है किससे संबंधित है बंधु वर्मन से संबंधित है। सारे लेख हैं बिलसाड लेख, कुमारगुप्त, भीतरी लेख, स्कंदगुप्त और मंदसौर लेख बंधु वर्मन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था, तो सबसे महान जो है गणितज्ञ था आर्यभट्ट, और इन्होंने ही जो है दशमलव प्रणाली के जो है शुरुआत किया था। नेक्स्ट है गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या था, तो दरबारी भाषा था संस्कृत। नेक्स्ट है कि इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से विजय से जो है प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, तो ये जो है हुन जो है भारत पर आक्रमण कब किए थे, किसके शासन काल में, स्कंद गुप्त के शासन काल में, और इन्होंने जो है भारत पर आक्रमण करने से रोका था। नेक्स्ट है कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, तो गुप्त जो है राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, कला एवं स्थापत्य के लिए जो है प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है अजंता कलाकृति किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है गुप्त काल से। नेक्स्ट है गुप्त विद जो है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही दरबार में जो है नवरत्न थे जिसमें कालिदास जो है प्रमुख थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो इस संबंधित है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, उत्तर गुप्त युग में कौन विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त। नेक्स्ट है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो एरन अभिलेख जो है किससे संबंधित है भानुगुप्त, और इसी अभिलेख में जो है पहली बार सती होने का जो है प्रमाण मिलता है, जिसमें राजा भोज की जो है पत्नी जो है सती का उल्लेख जो है उसमें मिलता है एरन अभिलेख में, और ये एरन अभिलेख किससे संबंधित है भानुगुप्त से। नेक्स्ट है फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो फाइयान 405 से 11 ईस्वी के बीच में आया था, और यह किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है फाइयान कहाँ का निवासी था, तो बताना है आपको, बता चुके हैं कि फाइयान कब आया था, 405 से 11 ईस्वी के बीच में आया था, और ये किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और यह क्या था, चीनी यात्री था। नेक्स्ट है सेतुबद्ध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था,
हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाकाटक, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस गुप्तकालीन शासक को कबीर आज कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को जो है क्या कहा गया, कबीराज कहा गया है। और समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अश्वमेघ हर्ता। और दूसरा, अगर बात करें कि जो है गुप्त काल में बिना सिक्कों पर बिना वादन करते हुए किसे दिखाया गया है, तो ये भी समुद्रगुप्त को ही दिखाया गया है। और इलाहाबाद जो है अभिलेख किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से ही संबंधित है। नेक्स्ट है कि स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में संक्रोपम कहा गया? तो राइट आंसर है कहम। नेक्स्ट है कि श्रीलंका के राजा मेघ वर्मन ने जो है किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो ये जो है बोध गया में बनाने के लिए जो है अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो ये कब हुआ था? तो गुप्त काल में ही हुआ था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो इन्होंने जो है शकों पर विजय के उपलक्ष में जो है के बाद, यानी शकों का उन्मूलन करने के बाद। नेक्स्ट है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो शकों को पराजित करने के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है चांदी के विशेष सिक्के जारी किए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मेहरौली यानी दिल्ली में जो है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो ये चतुर्थ सदी में हुआ था। नेक्स्ट है, फाइयान और हेनसांग ने जो है किन राज्यों को जो है देखा? तो फाइयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है राज्य को देखा था, और हेनसांग किसके? हर्षवर्धन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, धन्वंतरी कौन थे? तो यह जो है प्रमुख चिकित्सक थे, यानी नौ रत्नों में तो जो है प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी वो जो थी राजतंत्रात्मक थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि फाइयान द्वारा रचित ग्रंथ ठोकुओ की निम्नलिखित में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो ये जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण जो है इसमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट है, अजंता गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो 16, 17 एवं 19 गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो अमर सिंह का नाम हम पहले भी ले चुके हैं, नौ रत्नों में से एक थे, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के
दरबार से जुड़े थे। नेक्स्ट है गुप्त संवत यानी 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, तो अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का जो है दरबारी कवि था, तो राइट आंसर है समुद्र गुप्त। नेक्स्ट है गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, तो कला एवं साहित्य के क्षेत्र जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण जो है इसे क्या कहा जाता है, क्लासिकल युग या गोल्डन युग कहा जाता है। नेक्स्ट है सारनाथ के धमेक वस्तुप का निर्माण किस काल में हुआ, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। नेक्स्ट है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है, सोने के मुद्रा को क्या कहा जाता था, दिनार, और चांदी के मुद्रा को रुपया। नेक्स्ट है कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा, कुमार संभवम, मेघदूत, ये सब किनकी रचना है, तो ये रचना है कालिदास की। नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त, और किसने स्थापना की थी, कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट है गुप्त युग में भू राजस्व की दर जो है क्या थी, तो उपज का छठा भाग जो है भू राजस्व का क्या था, दर था, उपज का छठा भाग। नेक्स्ट है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो नगरों का जो है क्रमिक पतन जो है किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, गुप्त काल की। नेक्स्ट है किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, यानी गांव जो है अनुदान में दिया था, तो किस वंश के शासक ने, तो बात हो रही गुप्त वंश की, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। नेक्स्ट है कि दिल्ली के मेहरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौ स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो ये लौ स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो है स्मृति में है। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित मालविकांगनी मित्र नामक नाटक का जो है नायक था, राइट आंसर हो जाएगा अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख में उपलब्ध है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रयाग के अभिलेख नंबर डी, और एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त से संबंधित है, और इसमें क्या मिला है, तो प्रथम जो है सती होने का प्रमाण मिलता है एरन अभिलेख से। हमने पहले ही बता चुके हैं कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की जो है मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का जो है उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गुप्त काल में जो है स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी।
नेक्स्ट है, कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो मालविकांगनी मित्र, ये कालिदास की रचना है। अभिज्ञानम संकुतलम कालिदास की रचना है। विक्रम मौर्यवर्षीयम, ये भी कालिदास की रचना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जानकी हरण। और ये जानकी हरण किन की रचना है? कुमार दास की रचना है। किसकी? कुमार दास की रचना है जानकी हरण। नेक्स्ट है, अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तुम्हारा राइट आंसर जो है बाघ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गुप्त वंश ने जो है किस अवधि तक जो है शासन किया था? तो गुप्त वंश का शासन काल जो है 319 से 500 तक। नेक्स्ट है कि बाल विवाह प्रथा आरंभ कब हुआ था? तो बाल विवाह की प्रथा का आरंभ जो है कब हुआ था? तो गुप्त काल में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के जो है सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। नेक्स्ट है कि यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञानम शकुंतलम। नेक्स्ट है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, यानी भानुगुप्त एरन अभिलेख से मिलता है। और यह इसमें जो है किसी राजा भोज के पत्नी के जो सती होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो पहले कौन था? तो पहले जो है चंद्रगुप्त प्रथम, उसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी सब लाइन से ही है। तो 1, 2, 3 जो है 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर जो है बयाना यानी भरतपुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। नेक्स्ट, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ये आजकल जो है एग्जाम में ज़्यादा आ रहे हैं। प्राचीन कथन है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण है, यहाँ कारण हो जाएगा, कारण है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन जो है सही होगा? तो यह जो है दोनों व्याख्या कर रहा है, यानी ए और आर दोनों सही है, पर व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस एक पतन से संचालित होता था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो रुपया कहलाते थे। और सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? दीनार। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो 9 रत्नों में प्रमुख थे उनका नाम दिया गया है। विशाखादत्त जो है किससे संबंधित है? विशाखदत्त जो है नाटक से है। विशाखदत्त क्या है? नाटक। और नेक्स्ट, ब्राह्मी
तो ब्राह्मीर कौन थे? ब्राह्मीर जो है खगोल विज्ञान से संबंधित है। चरक, चरक की बात करें तो चरक किससे संबंधित है? तो चरक चिकित्सा से संबंधित है। और बात करें ब्रह्मा गुप्त, तो ब्रह्मा गुप्त जो है किससे? गणित से संबंधित है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उज्जैन। नेक्स्ट है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो राइट आंसर है अभिज्ञानम शाकुंतलम। इनकी रचना जो है जो जो है विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में होती है। नेक्स्ट है कि वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय जो है किसको जाता है? आर्यभट्ट को जाता है, पर किस युग को है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुप्त युग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो स्कंद गुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना ये तो कारण था, हूनों का आक्रमण ये भी कारण था, प्रांतीय शासकों का विद्रोह ये भी कारण था, पर यहाँ कह रहा है कि कारण नहीं था, तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह यह जो है कारण नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपनी सिक्कों पर अपने बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो राइट आंसर है समुद्र गुप्त। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित कर दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है? तो नवीनतम का संबंध है चिकित्सा से। नेक्स्ट है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा रामगुप्त। नेक्स्ट है, सूचीवन को सूची टू से मिलाना है, शासक और अभिलेख दिया हुआ है। सूचीवन में शासक है और सूची टू में अभिलेख है, जो किससे संबंधित है? बात करें प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद अभिलेख की, तो ये किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। और मेहरौली, मेहरौली का जो है लौह स्तंभ किससे संबंधित है? जो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। स्कंद गुप्त भित्री स्तंभ लेख से संबंधित है। और बुधगुप्त पहाड़पुर ताम्र पत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, मुद्रा के प्रकार दिया हुआ है और साथ सूची टू में शासक, उनको मिलान करना है। कुमार देवी के प्रकार ये संबंधित है चंद्रगुप्त प्रथम से। बीना वादक तो ये संबंधित है चंद्रगुप्त से। चक्र विक्रम का प्रकार ये संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। कार्तिकेय प्रकार ये संबंधित है कुमारगुप्त प्रथम से। नेक्स्ट भी मिलान करने वाला ही है। चंद्रगुप्त का जो है प्रथम को जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त अश्वमेधहर्ता, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम, और चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त हो गया अश्वमेघ हर्ता या पराक्रम। नेक्स्ट चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत या कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य।
नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है किसकी उपाधि, सक्रोपम की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी, तो कुमार देवी, लिच्छवी की राजकुमारी। रामगुप्त की पत्नी कौन थी, तो ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी। और रुद्रसेन की पत्नी प्रभावती। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी, तो ये की थी समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है कि सर्वरा जो छेत्ता सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी, ये धारण की थी समुद्रगुप्त ने। सर्वराज्यो छेत्ता यानी सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला। नेक्स्ट है कि किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीया को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीया। नेक्स्ट है मिलान करना है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट की रचना कौन था, तो आर्यभट्टीय। धन्वंतरी का रचना कौन था, नवीनतकम। ब्रह्मागुप्त की रचना ब्रह्मा सिद्धांत। और ब्राह्मीर की रचना कौन सा, पंच सिद्धांतक। नेक्स्ट है सुदर्शन झील चिराग का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के स्वराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्र दमन में करवाई थी, कि दूसरी मरम्मत किसने करवाई, तो दूसरी मरम्मत जो है स्कंदगुप्त ने करवाई थी। नेक्स्ट है भुक्ति, मिलान करना है भुक्ति किसे कहा गया है, भुक्ति कहा जाता था उपरी को। नेक्स्ट विषय यानी जिला, जिला के जो है प्रशासक को कहा जाता था विषयपति, और नगर के प्रशासक नगरपति, और ग्राम के ग्रामीक। नेक्स्ट है कौन सुमिलित नहीं है, महासंधि विग्रहिक, ये कौन होता था, तो ये होता था युद्ध और शांति का मंत्री। महादंड नायक ये होता था सेना का सर्वोच्च अधिकारी। अभिनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, तो यहाँ कौन सुमिलित नहीं है, महासुपति यानी गज का सेनाध्यक्ष, ये हमारा जो है सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट है क्षेत्र भूमि वास्तु भूमि, तो कृषि योग भूमि को कहा जाता है था वास्तु भूमि। अप्रहत भूमि तो निवास योग भूमि को जो है गुप्त काल में क्या कहा जाता था, अप्रहत भूमि। नेक्स्ट अपराध भूमि यानी जंगली भूमि। खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को क्या कहा जाता है, खिल भूमि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित नहीं है, मृच कटिकम शूद्रक की रचना है, दस कुमार चरित्र दंडिन, किरातार्जुनीयम भारवी, प्रयाग प्रशस्ति रवि कृति, यानी यहाँ पे जो है ये सम्मिलित नहीं है, प्रयाग प्रशस्ति रवि कृति जो है सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो भर्तृहरि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बागभट्ट अष्टांग हृदय और कामंक, कमंग की रचना नीति सार
और विशाखा दत्त की रचना का नाम क्या था? मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पे ये जो है सुमिलित नहीं है, भारतरी हरि। मेघदूत तो कितना है? तो मेघदूत तो किसका? कालिदास का जो है रचना है। नेक्स्ट है सृष्टि। सृष्टि जो है किसे कहा जाता था? तो सृष्टि कहा जाता था गुप्त काल में साहूकार को। सार्थवाह किसे कहा जाता था? व्यापारी को। कुलिक शिल्पी और कारीगर को। काश्यत किसे कहा जाता था? तो लेखक को। नेक्स्ट है मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो मिहिर कुल जो है किससे संबंधित था? हुन से। नेक्स्ट है कि कनौज को सर्वप्रथम माता प्रदान करने वाले जो है कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा मौखरी। नेक्स्ट है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, किसने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जो है यहाँ पे जंग रोधक होगा, उसकी जंग रोधकता के कारण। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन केवल दो उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता गुफाओं का चित्रांकन और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाघ गुफाएं। नेक्स्ट है पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट है परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक, तो अगर प्रथम पूछा जा रहा है तो समुद्रगुप्त था। तो आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसका पूरा पीडीएफ जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है ज़रूर डाउनलोड करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें।